मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, तेल कंपनियों के डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी, 2 से 5 रुपए तक घट जाएंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। मोदी सरकार ने मंगलवार को धनतेरस के दिन आम जनता को दिवाली का तोहफा दे दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही 5 रुपए तक की कमी हो जाएगी। ये कमी पेट्रोलियम कंपनियों के खास कदम के कारण होने जा रही है, जिसके चलते कहीं पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए घटेंगे तो कहीं सीधे 5 रुपए तक की कमी आ जाएगी। हालांकि ये कमी पूरे देश में नहीं होगी, बल्कि इसका लाभ उन स्थानों को ज्यादा मिलेगा जो रिफाइनरी से दूर स्थित है। अभी तक इन स्थानों पर पेट्रोल डीजल बाकी इलाकों से ज्यादा दाम पर बिक रहा था, लेकिन अब इन स्थानों पर कम दाम में पेट्रोल डीजल उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल के दामों में ये कमी महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद से लागू होगी। पुरी ने कहा कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर्स की 7 साल पुरानी मांग को पूरा कर दिया है और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे कस्टमर्स को पेट्रोल पंप पर बेहतर सेवाएं मिलेंगी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बजाय 2 से 5 रुपए तक घटने जा रहे हैं। पुरी ने ये ट्वीट इंडियन पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की तरफ से डीलर कमीशन बढ़ाने की घोषणाओं के बाद किया। पुरी ने ट्वीट में ये भी बताया है कि डीलर कमीशन बढ़ने के बावजूद तेल महंगा होने के बजाय सस्ता कैसे मिलेगा। उन्होंने लिखा कि पेट्रोलियम कंपनियों ने दूर दराज के इलाकों में तेल की ढुलाई को युक्तिसंगत बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत रिफाइनरियों को ट्रेन सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में तेल की सप्लाई आसान हो जाएगी और इससे दाम बढ़ने के बजाय घटेंगे। ओडिशा में 5 तो छत्तीसगढ़ में 2 रुपए तक घटेंगे दाम। पेट्रोलियम मंत्री ने ट्वीट में ओडिशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से इन राज्यों के कुछ स्थानों पर मौजूदा दाम में 2 से 5 रुपए तक की कमी हो पाएगी। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पेट्रोल 3.83 रुपए और डीजल 3.27 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के काजा में पेट्रोल 3.59 रुपए और डीजल 3.13 रुपए तक घटेगा। ओडिशा के मलकानगिरी के कुनानपल्ली में पेट्रोल 4.69 रुपए और डीजल 4.45 रुपए तक घट जाएगा, जबकि कालीमेला में पेट्रोल की कीमत 4.55 रुपए और डीजल के दाम 4.32 रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। इसके उलट छत्तीसगढ़ के सुकमा में पेट्रोल की कीमत में 2.09 रुपए और डीजल की कीमत में 2.02 रुपए तक ही कमी होगी। पुरी ने पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन बढ़ने को पूरे देश में 83,000 पेट्रोल पंपों और उन पर काम करने वाले 10 लाख कर्मचारियों के लिए दिवाली के तोहफे जैसा बताया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार और सभी पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशनों के बीच बैठक में मार्केटिंग से जुड़े सभी लंबित अदालती मामले वापस लेने पर एकमत होकर सहमति जताए जाने के कारण हो सका है।